ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने शनिवार को भटाली ओपन कोल माइन से चंद्रपुर कोल पावर स्टेशन को सीधे कोयले की आपूर्ति के लिए अत्याधुनिक पाइप कन्वेयर सिस्टम का उद्घाटन किया इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि इस प्रणाली से प्रदूषण कम होगा इस प्रणाली का उपयोग बिजली उत्पादन की लागत को कम करने के लिए किया जाएगा वही नई प्रणाली ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले डिलीवरी जटिलताओं को हल करने में बहुत उपयोगी होगी उन्होंने कहा कि पाइप कन्वेक्टर परियोजना से प्रभावित गाँव में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा वही बिजली परियोजना से प्रभावित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है बाघ सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा दीवार के कार्य को मंजूरी दी गई है और इरेई नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए राख बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य को भी मंजूरी दी गयी है राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के हाथों इस पाइप कन्वेयर सिस्टम पैनल का अनावरण किया गया शुरुआत में कन्वेयर प्रोजेक्ट और उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हुए एक वीडियो दिखाया गया मंत्रियों ने निरीक्षण किया कि कैसे कन्वेयर सिस्टम के माध्यम से कोयले का परिवहन किया जाता है और इसका रखरखाव मरम्मत के लिए डिजाइन की गई ट्रॉली द्वारा किया जाता है कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत चंदपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेटीवार राज्य मंत्री प्राजक्ता तनपुरी चंद्रपुर जिला परिषद अध्यक्ष संध्या गुरुले आमदार प्रतिभा धानुरकर किशोर जोरगेवार प्रधान सचिव ऊर्जा दिनेश वाकमारे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक महानिर्मित संजय खंडारे अतिरिक्त जिला अधिकारी विद्युत वर खेड़कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुलकर्णी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चंद्रपुर डॉक्टर मिताली सेठी महानिर्मिति के संचालक प्रकल्प वित प्रमुखता ऐसी उपस्थित थे कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवार बी